दोस्तों 777 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टैक्सोनॉमी, जो कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि टैक्सोनॉमी क्या चीज़ होती है। तो टैक्सोनॉमी एक ऐसी फंक्शनलिटी है दोस्तों 777 में, जो कि आपके 777 के वेबसाइट के कंटेंट को एक कैटेगरी में डिवाइड करने के यूज़ में आती है। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको एक वेबसाइट स्टैक ओवरफ्लो में ये टैग्स दिखाऊं, तो यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ़ टैग्स दिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट जावा। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस जावास्क्रिप्ट के टैग के थ्रू ही जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए जो अब जो क्वेश्चन नीचे आ रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट टैग के जिस टैगिंग हुई है, जावास्क्रिप्ट टैग में उसकी टैगिंग हुई है उसके थ्रू आ रहे हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ HTML पे क्लिक करूँ तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो HTML के ही आएंगे, जो कि क्वेश्चन ऐड करते समय जिस टैग प्रोवाइड किया गया है वो HTML था। तो ठीक यही एग्ज़ाम्पल हम अपनी वेबसाइट पे भी करेंगे। तो टैक्सोनॉमी हमें टर्म ऐड करने के लिए वो हमें स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में ये टैक्सोनॉमी यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैनेज टैगिंग एंड कैटेगराइज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ योर कंटेंट। जैसा कि हमने अभी बताया, टैक्सोनॉमी के अंदर जाएंगे तो ये टैग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं या अपना नया एक आपको अगर कोई लिस्ट बनानी है या उसकी मेन है बनानी, मेन टैग जो हो, जैसे कि टैग है, टैग के अंदर आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, तो वो आपको लिस्ट के अंदर मिल जाएगी, लिस्ट टर्म के अंदर, जो कि हमने भी एक एग्जांपल में मॉड्यूल यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप आर्टिकल ऐड करते समय किसी आर्टिकल को टैगिंग देते हैं तो आपके पास अगर यहाँ वो टैग नहीं है, तो जब आप वो आर्टिकल ऐड करते समय टैगिंग देंगे तो वहाँ से वो टैग उठ के इस लिस्ट में प्लस हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई टैग है और वहाँ आप सर्च करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए ये है ये टैग, दोस्तों ये अगर टैग फील्ड आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रक्चर के अंदर जाएं, कंटेंट टाइप में जाएं, मैनेज फील्ड में जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये टैग्स नाम की जो फील्ड आ रही है, अगर आपके पास ये टैग्स नाम की फील्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ टैग्स नाम की फील्ड लिखिए टैग्स, और यहाँ पर टर्म एंड रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, या तो ऑटो कंप्लीट, जो कि अभी हमने एग्जांपल देखा इस तरीके से ऑटो कंप्लीट रहेगा, सर्चेबल रहेगा, या तो यहाँ पर चेकबॉक्स या रेडियो बटन का ऑप्शन आ जाएगा कि मल्टीपल आप टैग अगर आपको सेलेक्ट करना है तो चेकबॉक्स पर क्लिक करके मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप सेलेक्ट लिस्ट के थ्रू ड्रॉप डाउन आएगा तो आप एक ही टैग यूज़ कर सकते हैं। हमें ऑटो कंप्लीट चाहिए और मल्टीपल भी चाहिए तो हम ऑटो कंप्लीट लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट टाइप में यहाँ पर टैग का एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट को कैटेगराइज करेगा। तो बाय चांस दोस्तों अगर हमें यहाँ पर एग्जांपल लेना हो कि यहाँ पर केवल एक ही टर्म ऐड है और हम यहाँ पर एक और नया टैग देते हैं इसको 777, तो अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम कंटेंट सेव करेंगे ये जो नया टैग हमने यहाँ लिखा है, मॉड्यूल तो हमारे पास था ही और जो 777 हमने भी ऐड किया है, तो वो टैग यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। देखिए दोस्तों आ गया, अगर आप यहाँ से कोई टर्म ऐड करते हैं तो वो भी ऐड हो जाएगा और वो उस लिस्ट में सर्चेबल, जब आप करेंगे सर्च करेंगे तो वो आएगा।
सेव कर दें। देखिए दोस्तों, कंटेंट ऐड हुआ, मीन्स टर्म ऐड हुआ और इसी पेज पे ये वो वापस आ गया। ये दोस्तों ऐसी फंक्शनलिटी इन्होंने ऐसी इसलिए प्रोवाइड की है कि आपको एट ए टाइम अगर मल्टीपल टैग्स की लिस्ट ऐड करनी है तो आप जल्दी जल्दी टर्म वन टर्म टू सेव करके नेम लिख के उसका सेव करते जाए, इसलिए ये इस तरीके से फंक्शनलिटी दी हुई है, यूज़फुल है दोस्तों। अब हमने अपने आर्टिकल में जाना है जो कि हमने पहले से ऑलरेडी ऐड कर रखा है, इसके एडिट पेज पे जाना है। अब दोस्तों हम अगर यहाँ पर टैग सर्च करेंगे तो ये देखिए, हमने डी आर लिखा तो हमारे पास दो टैग थे, Drupal 7 और Drupal डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं टैग की लिस्ट, देखिए Drupal डेवलपमेंट, Drupal 7, जो कि आपके पास यहाँ पर सर्च होके आ रही है। आपको अगर मल्टीपल टैग देने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला, आपको पहला टैग सेलेक्ट कर लेना है कॉमा, उसके बाद दूसरा दूसरा, इस तरीके से आप टैग की लिस्ट देंगे, चाहे आप मल्टीपल की जितने भी टाइम दें, जितने भी टैग दे सकते हैं दे सकते हैं। उसके बाद सेव करा दीजिए। तो दोस्तों इन दोनों कंटेंट को खोल के देखते हैं कि हमें जो टैगिंग इनको असाइन किया था वो, देखिए यहाँ पर जो टैग बन के आ रहा है वो देखिए Drupal 7 एंड Drupal डेवलपमेंट, और यहाँ पर जो टैग बन के आ रहा है मॉड्यूल एंड Drupal 7। दोस्तों अगर अब जो एग्ज़ाम्पल हमने देखा था कि अगर हमने HTML खोला है तो HTML से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर हम अब Drupal 7 खोलेंगे यानी Drupal 7 के जो टैग दिया है इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास URL है ये देखिए टैग Drupal 7, तो मतलब Drupal 7 जो टैग है इससे रिलेटेड जो कंटेंट या आर्टिकल या ब्लॉग है वही यहाँ पर नीचे आएंगे। ये देखिए आ रहा है Drupal 7 और Drupal 7। तो दोस्तों ये था टैक्सोनॉमी, तो किस तरीके से अपनी वेबसाइट की कंटेंट को कैटेगराइज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम व्यू के थ्रू रिलेटेड आर्टिकल कैसे फेच कराते हैं, जो कि अगर हमने टैक्सोनॉमी किया है यानी कि टैग आर्टिकल्स को प्रोवाइड किए हैं तो उसी के बेस पे हम रिलेटेड आर्टिकल भी फेच करेंगे। इसीलिए ये वीडियो पहले कवर किया दोस्तों कि आपको टैक्सोनॉमी या टैग क्रिएट करना आ जाए तो आप अपने आर्टिकल को टैग प्रोवाइड करने के बाद रिलेटेड आर्टिकल फेच कराएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए लेटेस्ट वीडियो जो Drupal 7 हिंदी में आपके लिए बन रहे हैं वो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।